नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। शहर सहित जिले भर में रिमझिम और तेज बरसात का दौर जारी रहने से जनजीवन प्रभावित। ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत 25 लाख रुपए कीमत के गुम हुए 124 मोबाइल खोजकर लौटाए। हड़ताल के बाद बिगड़े हालातों पर काबू पाने के लिए सभापति ने बुलाई बैठक। परिषद के लोडर डंपर उठाएंगे कचरे के ढेर। फैक्ट्रियों से काला पानी छोड़े जाने का मामला विधानसभा में गूंजा। पर्यावरण मंत्री ने कहा, चार अधिकारियों की संयुक्त कमेटी करेगी जांच। नगर विकास न्यास की अनदेखी के कारण दुर्दशा का शिकार हुआ महाप्रज्ञ सर्किल स्थित पार्क। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए जिला कलेक्टर ने आपदा तैयारियों को लेकर ली बैठक, दिए दिशा निर्देश। 9 दिवसीय श्री राम कथा को लेकर संकट मोचन हनुमान मंदिर में महंत बाबूगिरी के सानिध्य में तैयारी बैठक आयोजित। 21 सितंबर से चित्रकूट धाम में राजन महाराज करेंगे कथा का वाचन। बिजली दरों में बढ़ोतरी और अघोषित कटौती को लेकर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष त्रिपाठी के नेतृत्व में हुआ प्रदर्शन, व्यवस्थाएं सुधारने की मांग। भिलवाड़ा पर मेघों की मेहरबानी तीसरे दिन भी बनी रही। बीती रात से जारी हल्की बारिश का दौर अल सुबह तक जारी रहा। इसके बाद एक घंटे के ब्रेक के बाद सुबह करीब 8 बजे फिर से बारिश शुरू हो गई, जो अभी जारी है। इस बीच कभी तेज तो कभी हल्की बारिश हो रही है। सड़कों पर पानी बह निकला। बारिश का पानी भरने के बाद सड़कों के गड्ढे वाहन चालकों को दिखाई नहीं पड़ रहे हैं और इससे हादसे की आशंका बनी हुई है। इतना ही नहीं, बारिश के चलते शहर के प्रमुख मार्गों, रोडवेज बस स्टैंड चौराया, गंगापुर तिराया, रेलवे ओवरब्रिज क्षेत्रों में जाम की स्थिति बनी रही और इससे वाहन चालक परेशान रहे। शहर के रेलवे अंडरब्रिज भी जलमग्न है। ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहां भी रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। स्कूली बच्चों को भीगते हुए स्कूल आना जाना पड़ा। उधर सिंचाई विभाग के सूत्रों की माने तो जिले के प्रमुख बांधों व तालाबों में पानी की कुछ आवक हुई, जबकि कई बांधों के जलस्तर का गेज अभी जूं का त्यों है। भिलवाड़ा पुलिस ने ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत 25 लाख रुपए कीमत के 124 मोबाइल खोजकर उनके मालिकों को लौटाए हैं। अपने गुम हुए मोबाइल वापस मिलने पर मोबाइल मालिकों के चेहरे खुशी से खिल उठे। जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने एसपी ऑफिस सभागार में ये मोबाइल मालिकों को लौटाए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मोबाइल गुम होने से संबंधी आवेदन और शिकायतें लगातार मिल रही थी। पुलिस मुख्यालय की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन एंटीवायरस अभियान के तहत इन शिकायतों पर कार्रवाई कर उन्हें ट्रेस करने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विमल सिंह को निर्देशित किया, जिसके बाद साइबर सेल टीम को गुम हुए मोबाइलों को ट्रेस कर शीघ्र बरामदगी के लिए लगाया गया। लगातार छानबीन के बाद साइबर सेल ने विभिन्न कंपनियों के 124 मोबाइलों को ट्रेस कर संबंधित पुलिस थानों की मदद से बरामद किया। पुलिस ने लगभग 25 लाख रुपए कीमत के 124 मोबाइल बरामद किए, जो विभिन्न कंपनियों के हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बरामद 124 मोबाइल फोन में से 30 फोन प्रतापनगर पुलिस ने बरामद किए। उधर गुम हुए मोबाइल लेने आए लोगों में युवतियां, युवा और बुजुर्ग भी शामिल थे। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। 2024 से पुलिस मुख्यालय द्वारा पूरे प्रदेश में ऑपरेशन एंटीवायरस चलाया गया था, जिसके तहत भिलवाड़ा जिला पुलिस द्वारा 124 मोबाइल फोन रिकवर किए गए हैं। पिछले दो वर्षों में मिसिंग थे, लोगों के खो गए थे और जिनकी मिसिंग रिपोर्ट रिकॉर्ड में दर्ज थी। इनकी कीमत लगभग 25 लाख रुपए है। आज इन फोन्स को इनके मालिकों को इस कार्यक्रम का आयोजित कर स्वरूप किया गया है और जैसा अभी आपने देखा, अधिकतर लोगों ने ये कहा कि हमें ये उम्मीद नहीं थी कि ये फोन वापस न मिलेगा और सबके चेहरे खुशी से खिले हुए, तो ये सभी फोन अभी इनको सुपुर्द किए गए हैं। साथ ही ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत इस ज़िले में दो प्रकरण भी पंजीबद्ध किए गए हैं साइबर फ्रॉड्स के संबंध में, जिन्होंने इस मोबाइल का उपयोग करके साइबर फ्रॉड किए थे, उनकी अरेस्ट की गई है। 5 व्यक्तियों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। 58 ऐसे व्यक्ति चिन्हित किए गए हैं जो इस जिले में निवासरत थे परंतु किसी अन्य राज्य में वांछित थे। उनको थाने पर लाकर पूछताछ कर
वहाँ के संबंधित थानों को सूचित किया गया है अग्रिम कार्रवाई के लिए। इस प्रकार इस जिले में पूरे ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत कार्रवाई की गई थी और अभी ये जो मिसिंग मोबाइल फोन हैं इस बारे में लगातार हमारी कार्रवाई और साइबर फ्रॉड्स के अगेंस्ट भी इस लगातार हमारी कार्रवाई जारी है। मैं नरेश पाटोदिया सराबा बाजार गुलमंडी से हूँ। मेरा मोबाइल अभी 2 महीने पहले ही दुकान से चोरी हुआ था। आज 2 महीने के अंदर मेरा मोबाइल मिलना राजस्थान पुलिस की कामयाबी है कि 2 महीने मात्र 2 महीने के अंदर मेरा मोबाइल मुझको मिल गया। मेरे को बहुत खुशी महसूस हो रही है साहब क्योंकि मेरा मोबाइल मेरे हाथ में आ गया। सफाई कर्मचारियों द्वारा की जा रही हड़ताल से शहर की सफाई व्यवस्था में आ रहे व्यवधान के समाधान हेतु सभापति राकेश पाठक की पहल पर दोपहर 12 बजे सफाई मजदूर कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। परिषद सभापति राकेश पाठक ने बताया कि पिछले 7 दिवस से सफाई कर्मचारियों की जारी हड़ताल की वजह से शहर की सफाई व्यवस्था काफी बुरी स्थिति में पहुंच गई है। इस वजह से आम जनता को राहत प्रदान करने हेतु सफाई मजदूर कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में निर्णय किया गया कि शहर के विभिन्न कचरा स्टैंड से कचरा उठाने हेतु परिषद के लोडर डंपर फील्ड में कार्य प्रारंभ कर देंगे। बैठक में राकेश पाठक सभापति, हेमाराम चौधरी आयुक्त, रामदेव चन्नाल जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस, राजेश मल्होत्रा नगर अध्यक्ष अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस सहित सफाई मजदूर कांग्रेस के अन्य पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। हाँ जी, अगर आप भिलवाड़ा में और प्रीमियम होम डेकोर आइटम्स और आर्टिफैक्ट्स ढूंढ रहे हो अपने घर, ऑफिस या रेस्टोरेंट के लिए, जहाँ पे आपको मिल जाए दिल्ली मुंबई जैसे इम्पोर्टेड आर्टिफैक्ट्स, तो मैं आपके लिए हूँ बहुत ही शानदार लोकेशन जिसका नाम है आर्ट्स एंड क्राफ्ट, जो कि डांगी फैक्ट्री के जस्ट पास में कुंभा सर्कल रोड पे। यहाँ पे आपको 200 से लेके 1.5 लाख रुपए की रेंज के आइटम्स मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको फाउंटेन, आर्टिफिशियल प्लांट्स, पेंटिंग्स तरह की बहुत सारी चीजें मिलेगी होम डेकोर की। तो शेयर कर दो रील अपने सारे दोस्तों एंड फैमिली वालों। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल आपके भरोसेमंद भिलवाड़ा हलचल, भिलवाड़ा का पहला न्यूज पोर्टल भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप पर अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें भिलवाड़ाहलचल.com। समाचार वे वीडियो भेजें मोबाइल नंबर 7737741455 भिलवाड़ाहलचल@gmail.com। भिलवाड़ा जिले में कपड़ा फैक्ट्रियों द्वारा काला और रसायन युक्त पानी नदी नालों में छोड़कर उन्हें प्रदूषित करने का मामला विधानसभा में गूंजा है। इसके बाद कपड़ा फैक्ट्रियां रसायन युक्त पानी छोड़कर प्रदूषण फैला रही है। उन पर सख्त कार्रवाई की घोषणा करते हुए मंत्री ने कहा कि 4 अधिकारियों की संयुक्त कमेटी पूरे जिले में फैक्ट्रियों की जांच करेगी और सभी स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी सुझाव लेगी। इसके बाद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वन वन्य जीव एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा में ये घोषणा की। इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान विधायक उदयलाल भड़ाना ने एक सवाल के जरिए मुद्दा उठाया। उन्होंने एक उद्योग का नाम लेते हुए कहा कि वह फैक्ट्री जमीन के बोरिंग में काला पानी छोड़ रही है। उन्होंने कहा कि कपड़ा उद्योग और प्रोसेस हाउस से केमिकल युक्त काला पानी नदी नालों में छोड़े जाने से किसानों की उपजाऊ भूमि बंजर हो रही है। सरकार इस पर क्या कोई कार्रवाई करने का विचार रखती है? इस पर वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने अपने जवाब में बताया कि विधानसभा क्षेत्र मंडल में कपड़ा उद्योग और प्रोसेस हाउस से केमिकल युक्त काले पानी को नदी व नालों में छोड़ने से किसानों की उपजाऊ भूमि बंजर होने के संबंध में किसानों और किसान संगठनों द्वारा कोई शिकायत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल एवं कृषि विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा सभी कपड़ा उद्योग को शून्य जल निस्त्राव की शर्त पर ही सहमति दी गई है, फिर भी वे सदन में घोषणा कर रहे हैं कि प्रदूषित पानी छोड़ने वाली फैक्ट्रियों की पूरे भिलवाड़ा जिले में जल्द ही कमेटी से जांच कराई जाएगी। भिलवाड़ा नगर विकास न्यास की अनदेखी के शिकार शहर के पार्क हो रहे हैं। ऐसा ही एक पार्क महाप्रज्ञ सर्किल पर है। इस पार्क की दुर्दशा देखकर हर कोई यूआईटी और पार्क की देखरेख करने वालों को कोसते नजर आते हैं। महाप्रज्ञ सर्किल पर लाखों रुपए खर्च कर नगर विकास न्यास में कांग्रेस राज में सत्र के लोगों के लिए एक अच्छा पार्क
ढोलक किया था पार्क में, छोटा स्विमिंग पूल, बच्चों के आकर्षण, शेर हिरण आदि की आकर्षक आकृतियां लगाई गई। कुछ समय तो यह पार्क ठीक ठाक रहा, लेकिन बाद में नगर विकास न्यास के जिम्मेदार लोगों की अनदेखी के कारण पार्क उजड़ हो गया। शेर, चीते और हिरण क्षतिग्रस्त हो गए और स्विमिंग पूल में कंटीली झाड़ियां और घास उग गई। पार्क के नाम पर अब वहां कुछ भी नहीं बचा। पार्क में कंटीली झाड़ियां फैली हुई है। भगवत वैष्णव ने हलचल को बताया कि पहले यह काफी अच्छा था और यहाँ लोग आते भी थे, लेकिन अब यह पूरी तरह उजड़ हो गया है और आवारा तत्वों का अड्डा बन रहा है। इस संबंध में कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और धीरे धीरे पार्क पूरी तरह उजाड़ होकर रह गया है। पार्क के पास ही स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा लगी हुई है, लेकिन वह भी उपेक्षा का शिकार हो रही है। विजय गढ़वाल की रिपोर्ट। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने जिले में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में तैयारियां सुदृढ़ करने के संबंध में सभी एसडीएम और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी फील्ड पर जाकर स्थिति का जायजा लें तथा आपदा की स्थिति में आमजन को तुरंत राहत सुनिश्चित करें। बैठक में निर्देश दिए गए कि इमारतों के बेसमेंट, कोचिंग संस्थानों, शिक्षण संस्थानों, सार्वजनिक भवनों आदि में जलभराव की स्थिति न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में अंडरब्रिज, बस्तियों आदि में पानी भराव की स्थिति से निपटने के लिए हैंडपंप व अन्य संसाधनों की तत्काल घटना स्थल पर उपलब्धता के लिए निर्देशित किया गया। नगर निकायों के अधिकारियों को कचरा संग्रहण की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि गंदगी इकट्ठा ना हो और आमजन को समस्या का सामना ना करना पड़े। साथ ही सड़कों की मरम्मत, नालों की सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल भराव वाले क्षेत्रों का आकलन कर समुचित इंतजाम सुनिश्चित किए जाए। इन जगहों पर दुर्घटनाओं से बचने के लिए साइन बोर्ड लगाए जाए तथा आमजन, विशेषकर बच्चों की आवाजाही की लगातार निगरानी की जाए। जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया कि प्रार्थना सभा में बच्चों को बांध, तालाब आदि क्षेत्रों में ना जाने और नहाने से बचने के लिए जागरूक किया जाए। सवाईपुर कस्बे सहित सोपुरा, सालरिया, ढेलाना, बड़ला, बनकाखेड़ा, चावंडिया, ककरोलिया, माफी, रेडवास, किशनगढ़, गोठड़ा, कुवारड़ी, कूड़ी, बोडियास, बोरखेड़ा, कांदा, पिथा, सोलंकियों का खेड़ा, खरेड़ आदि कई गांवों में गुरुवार को अल सुबह से ही बारिश का दौर लगातार जारी है, जिसके चलते जनजीवन खासा प्रभावित हो रहा है। क्षेत्र के गांवों में अल सुबह से बारिश का दौर शुरू हुआ, जो लगातार दिन भर कभी रिमझिम तो कभी मंदे गति से बारिश का दौर चलता रहा। इसके चलते जनजीवन खासा प्रभावित रहा। वहीं सुबह से जारी बारिश के चलते लोगों की दिनचर्या को बदला। ग्रामीण बारिश के चलते बिना कारण घरों से बाहर नहीं निकले। स्कूली बच्चे बारिश से भीगते हुए घर पहुंचे। सांवर वैष्णव की रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार राजस्थान की भाजपा सरकार द्वारा की जा रही है घोषित बिजली कटौती एवं बिजली दरों में की गई वृद्धि, पेयजल उपलब्ध करवाने में विफल रहने तथा बेपटरी कानून व्यवस्था के कारण फैली अराजकता के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी के नेतृत्व में विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया। त्रिपाठी ने कहा कि सरकार की गलत और जन विरोधी नीतियों का विरोध कांग्रेस हमेशा से करती आई है और आगे भी करती रहेगी। भाजपा सरकार की गलत नीतियों का ही परिणाम है कि आज डॉक्टर्स हो या युवा हो या सफाई कर्मचारी सब हड़ताल कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने गांधी वाटिका ट्रस्ट को समाप्त कर पूर्व सरकार की योजना को ही खत्म कर दिया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए चंद्रप्रकाश अमरवाल ने बताया कि कांग्रेस चंद प्रातः 10:30 भोपाल क्लब के सामने गांधी सर्किल पर एकत्रित हुए और कांग्रेस जिला अध्यक्ष त्रिपाठी के नेतृत्व में गांधी जी को माल्यार्पण किया। संपत मालिक की रिपोर्ट। पूरे प्रदेश के अंदर और भीलवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हमारे सभी कांग्रेस के साथियों द्वारा ये राजस्थान सरकार जो है वो जन विरोधी सरकार है। किसानों को बिजली दे नहीं सक रही है और छात्रों को अभी पढ़ाई का समय है उसमें बिजली कटौती है। किसान गांवों के अंदर जो बिजली कटौती है, अघोषित बिजली कटौती, इससे कांग्रेस जन और किसान और आम जनता बहुत परेशान है। बेरोजगार परेशान है, मजदूर परेशान है, आम सभी लोग परेशान हैं। इसके खिलाफ कांग्रेस जन चुप नहीं बैठ सकते और हम आज ये धरना और प्रदर्शन का आयोजन किया है। और पूरे शहर के अंदर जो दशा है आज, राजस्थान के सफाई मजदूर कांग्रेस के जो लोग हैं वो
जिस प्रकार से अपनी मांगों के लिए अड़े हुए हैं, हम भी सब कांग्रेस जन उनके साथ में हैं। और भीलवाड़ा के अंदर जो सफाई की दुर्दशा हो रही है, ये सब बीजेपी सरकार की देन है। कांग्रेस सरकार ने जो काम किए विकास के, उसके ऊपर ये अब शिलान्यास करने का काम कर रही है। ये कुछ भी करना नहीं चाहती और अराजकता पैदा करना चाहती है। पूरे राजस्थान के अंदर आप हर क्षेत्र में देख लीजिए, जिला कलेक्टर के यहाँ 4-5 संगठन रोज धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और आए दिन मतलब 6 महीने से यही सिलसिला चल रहा है कि ये किसी को भी कोई न सुरक्षा दे पा रहे हैं, रोज चोरियां हो रही है और किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं। इसलिए कांग्रेस जन ऐसे मौके पर हम चुप नहीं बैठेंगे, चाहे आंधी हो चाहे बरसात हो, कांग्रेस जन सड़कों पे आकर के इस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगा। ख्यातनाम मानस मरमर के राजन महाराज के मुखारबिन से धर्मनगरी भिलवाड़ा के चित्रकूट धाम में 21 से 29 सितंबर तक श्री राम कथा सेवा समिति के तत्वावधान में होने वाली 9 दिवसीय संगीत में राम कथा आयोजन के लिए तैयारियां तेज हो गई है। तैयारियों पर चर्चा के लिए समिति की बैठक गुरुवार शाम संकट मोचन हनुमान मंदिर के महंत बाबूगिरी महाराज के सानिध्य में मंदिर परिसर में हुई। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष गजानन बजाज ने की। महंत बाबूगिरी जी महाराज ने आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहा कि मानस मर्मज्ञ राजन महाराज की मुखारबिन से भिलवाड़ा में पहली बार होने जा रही राम कथा के आयोजन को सफल व ऐतिहासिक बनाने के लिए समाज के हर वर्ग को इस आयोजन से जोड़ने का प्रयास करना है। रामकथा सेवा समिति के अध्यक्ष गजानन बजाज ने बताया कि बैठक में आयोजन से जुड़ी विभिन्न तैयारियों पर चर्चा की गई एवं सदस्यों से सुझाव भी मांगे गए। इस भव्य आयोजन को सफल बनाने के लिए समिति के सदस्यों को अलग अलग दायित्व सौंपे जा रहे हैं। बैठक में तय हुआ कि राजन महाराज की मुखारबिन से होने वाली राम कथा श्रवण करने के लिए हजारों श्रद्धालु बैठ सकें, ऐसा विशाल वाटरप्रूफ डोम बनाया जाएगा। आयोजन स्थल पर पार्किंग सहित सभी जरूरी व्यवस्थाएं करने पर भी चर्चा हुई। बैठक में तय हुआ कि श्री राम कथा आयोजन के पहले दिन सुबह भव्य मंगल कलश यात्रा निकाली जाएगी। इसमें अधिकाधिक महिला श्रद्धालुओं की सहभागिता हो, इसके लिए विभिन्न महिला संगठनों के सहयोग से प्रयास किए जाएंगे। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल आपके भरोसेमंद भिलवाड़ा हलचल, भिलवाड़ा का पहला न्यूज पोर्टल, भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप पर अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें भिलवाड़ाहलचल.com। समाचार व वीडियो भेजें मोबाइल नंबर 7737741455 भिलवाड़ाहलचल@gmail.com। जलदाय विभाग के पंचमुखी महादेव मंदिर में सावन माह के अवसर पर भगवान भोलेनाथ का फूलों से विशेष श्रृंगार कर अभिषेक किया गया। सभी भक्तों ने भोलेनाथ से अपनी व परिवार की खुशहाली की मंगल कामना की। बाद में विशेष आरती के बाद भक्तों को प्रसाद वितरित किया। इस मौके पर कई भक्तगण मौजूद थे। विजय गढ़वाल की रिपोर्ट। आज जलदाय विभाग के पंचमुखी महादेव मंदिर पर अभिषेक किया गया तथा उसके बाद मूर्ति का श्रृंगार किया गया। उसके पश्चात अभिषेक वगैरह होने के उपरांत भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। इसी मौके पर सभी भक्तजन मौजूद थे। सवाईपुर कस्बे के निकटवर्ती रेडवास ग्राम पंचायत क्षेत्र के गुवारड़ी गांव की गलियों में कीचड़ फैल जाने के चलते ग्रामीणों का यहां से गुजरना मुश्किल हो रहा है। ग्रामवासी कीचड़ से भारी राह से होकर गुजरने को मजबूर है, लेकिन ग्राम पंचायत इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में चारभुजानाथ परिसर सहित गांव की कई गलियों में कीचड़ फैला हुआ है, जिससे लोगों का चलना मुश्किल हो रहा है। ग्रामीण कीचड़ से होकर गुजरने को मजबूर है। इसे लेकर कई बार सरपंच को अवगत करवाया गया, लेकिन अब तक सरपंच के द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई। इसके चलते बारिश में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम पंचायत की उदासीनता के चलते लोग कीचड़ से होकर अपने रोजमर्रा के कार्य को पूरा करने के लिए गुजरने को मजबूर है। गांव की गलियों में सीसी सड़क का निर्माण नहीं होने के चलते ग्रामीणों को इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। सावर वैष्णव की रिपोर्ट। नेशनल हाईवे 758 स्थित ग्राम पंचायत गुड़ला के मोमी में हरिद्वार हर की पेड़ी से जल लाकर शिव भक्तों ने कावड़ यात्रा निकाली।
हरिद्वार हर की पेड़ी पहुंचकर वहां से पवित्र जल लेकर पुनः मोमी शिव मंदिर कांवड़ यात्रा पहुंची और भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया। गुड़ला ग्राम पंचायत मोमी के वार्ड नंबर 9, 10 व 11 के देवासी ग्रुप मोमी के तत्वावधान में सिद्धेश्वर महादेव शिव मंदिर गांव में शिव भक्तों ने कांवड़ यात्रा निकाली। हरिद्वार की हर की पेड़ी पर पहुंचकर वहां से गंगा नदी से पवित्र जल लेकर सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पहुंची और भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया। पूजा अर्चना कर कांवड़ यात्रा रवाना की। यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। बद्रीलाल माली की रिपोर्ट। सवाईपुर क्षेत्र के निकटवर्ती बरलियास कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भामाशाह के द्वारा विद्यालय परिसर में मंदिर निर्माण के बाद शुक्रवार को मंदिर में विद्या की देवी मां सरस्वती का मंत्र उच्चारण के साथ मूर्ति की पूजा अर्चना कर अनावरण किया गया। विद्यालय परिसर में विद्या की देवी मां सरस्वती की स्थापना के लिए मंदिर का निर्माण भामाशाह पूर्व प्रधान कोटड़ी विजय सिंह व युवा नेता प्रद्युमन सिंह के द्वारा किया गया। शुक्रवार प्रातः 11:15 पंडित राकेश जोशी के मंत्र उच्चारण के साथ भामाशाह व पूर्व प्रधान विजय सिंह व प्रधान करण सिंह बेलवा के द्वारा सरस्वती की मूर्ति का अनावरण किया गया। इसके बाद विद्यालय में अध्ययनरत सभी बच्चों को भोजन करवाया गया। इसके पूर्व भामाशाह व जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया गया। प्रधान करण सिंह ने संबोधित करते हुए विद्यालय में प्रार्थना स्थल बनाने की घोषणा की। सांवर वैष्णव की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।